हेलो एवरीवन, मैं रिंकी जैन, वेलकम टू फूड क्राफ्ट चैनल। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी लज़ानिया, जो कि एक इटालियन डिश है। इसे हम ब्रेड से बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें बस चीज़, वेजिटेबल, वाइट सॉस और पिज़्ज़ा सॉस चाहिए होगा। आप देख सकते हैं ये दिखने में कितना यम्मी है। अगर ये आपको पसंद आता है तो लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे 1 टेबल स्पून बटर, 1 टेबल स्पून और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, वो इसमें डालेंगे। प्याज को हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। फिर हम बेबी कॉर्न लेंगे, वो इसमें डाल लेंगे। फिर इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। फिर हम ये कैप्सिकम लेंगे, मैंने तीनों तरह की कैप्सिकम लिए, वो भी इसमें डाल लेंगे। और इसको मिक्स करेंगे। ये इसको हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है और इसको 1 से 2 मिनट तक हमें भून लेना है। ये हमारे 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। और चिली फ्लेक्स भी डाल लेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे हम। फिर हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक डालने के बाद में हम इसको सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम ये टोमेटो प्यूरी लेंगे, वो इसको डाल लेंगे। इसमें डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे, मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ली है। कश्मीरी लाल मिर्ची डालने के बाद में हम इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। देखिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। स्टफिंग रेडी करने के बाद में अब हम बनाएंगे वाइट सॉस, जिसके लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें हम बटर डालेंगे। बटर को हमें अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है। बटर मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें 1 चम्मच मैदा डालेंगे। बटर और मैदा को अच्छी तरह से हम मिक्स करते रहेंगे। इसे हम 1 मिनट तक भूनेंगे। 1 मिनट तक भूनने के बाद में अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे, जिससे इसमें लम्स नहीं पड़े। देखिए हमारा सॉस थोड़ा सा इसमें थिकनेस आ रही है। अब हम इसमें 1 चम्मच मेयोनीज की डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे और चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, थोड़ा नमक,
और सभी को हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसमें अच्छा सा थिकनेस भी आ गई है। हमारा व्हाइट सॉस बन के रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। लजानिया बनाने के लिए हम व्हाइट ब्रेड लेंगे। ब्रेड के हम ये सारी साइड्स निकाल लेंगे। इनकी साइड्स निकाल के हम इसे रोल करेंगे। देखिए इस तरह से हम सारी ब्रेड को कर लेंगे। देखिए हमने सभी ब्रेड्स को रोलिंग करके इसको रेडी कर लिया है। हमने स्टफिंग रेडी कर ली है, वाइट सॉस रेडी कर लिया है और ब्रेड को रोलिंग करके रख लिया है। अब हम एक बॉक्स लेंगे, आप जिस पे भी बनाएं, बाउल बॉक्स जो भी बनाएं, मैंने बॉक्स लिया है। फिर हम इसमें चारों तरफ पास्ता सॉस लगाएंगे। आपके पास भी पिज़्ज़ा सॉस हो, पास्ता सॉस हो या टोमेटो केचप हो, जो भी हो आप वो लगा सकते हैं। देखिए मैंने ये लगा लिया है, इसको अच्छी तरह से हम चारों तरफ फैला लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इस पर ब्रेड रखेंगे। देखिए इसको हम अच्छी तरह से इसे प्रेस कर लेंगे। ब्रेड रखने के बाद में जो हमने स्टफिंग रेडी करी थी वो इस पे लगाएंगे और उसको चारों तरफ फैलाएंगे। स्टफिंग लगाने के बाद में जो हमने ये व्हाइट सॉस रेडी करा था वो इस पे चारों तरफ लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से हमको फैला देना है। व्हाइट सॉस लगाने के बाद में हमने मेजोरेला चीज़ लिए, वो इसके चारों तरफ लगाएंगे। इसको चारों तरफ हम फैला देंगे अच्छी तरह। मेरे पास भी अमूल की चीज़ स्लाइस है, वो भी इस पे रख देंगे। सभी को फैलाने के बाद में हम वापस से वही रिपीट करेंगे। फिर हम ब्रेड रखेंगे वही। ठीक है, ब्रेड रखने के बाद में हम ये सॉस लगाएंगे। फिर ये हमारी जो हमने वेजिटेबल्स की फिलिंग है वो लगाएंगे। ये वाइट सॉस। फिर चीज़ फैला देंगे इस पे। फिर हम वापस से वही चीज़ रिपीट करेंगे। फिर हम ब्रेड रखेंगे। ये सॉस लगा देंगे। फिर ये हमने जो वाइट सॉस है वो लगाएंगे। फिर वापस हम इसमें चीज़ फैलाएंगे। ये अमूल की चीज़ स्लाइस है, वो इस पर रख देंगे। अब हम इसे बेक करेंगे माइक्रोवेव में। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्टी लज़ानिया रेडी है।